हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है विक्रांत और आप देख रहे हैं मेरा चैनल टेक्सटार विक्रांत। दोस्तों, MI A1 जो कि अपनी कैमरा क्वालिटीज़ को लेकर काफ़ी जाना जा रहा है, और उसकी कैमरा क्वालिटी है भी काफ़ी अच्छी। इसमें आपको 4K वीडियो का सपोर्ट मिल जाता है, स्लोमो का सपोर्ट मिल जाता है और टाइम लैप्स का सपोर्ट मिल जाता है। बट दोस्तों, MI A1 ने जो सबसे बहुत बड़ा अपने कस्टमर को डिसअपॉइंट किया है वो है इसके OIS को लेकर। MI A1 ने अपने कैमरा में OIS यानी ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन का सपोर्ट नहीं दिया है। ऑप्टिकल इमेज स्टेबलाइजेशन बेसिकली होता ये है कि जब आप कोई भी वीडियो शूट करते हैं, कोई भी वीडियो रिकॉर्ड करते हैं, उस वक्त अगर आप ड्राइव कर रहे हैं, उस वक्त अगर आप ऐसी जगह पर हैं जहाँ वीडियो स्टेबल नहीं बन सकती, तो उस केस में आपकी वीडियो बहुत शेकी आती है और हिली हुई आती है और वीडियो क्लियर नहीं आती है, काफ़ी शॉर्ट्स काफ़ी मूवमेंट्स निकल जाते हैं। तो दोस्तों, वो एक बहुत डिसअपॉइंट करने वाला पॉइंट हो सकता है MI A1 को लेके। इसका वन एंड ओनली एक मेथड है जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं, वीडियो को स्टेबलाइजेशन मोड में ला सकते हैं। तो उसके लिए आप अपने फ़ोन में फ़ोटोज़ में जाइए और कोई भी अपने फ़ोन से शूट की हुई वीडियो ओपन करके आप इसे देख सकते हैं। वीडियो काफ़ी शेकी है और काफ़ी, मैंने इसे गाड़ी में बैठ कर शूट किया है तो ये वीडियो स्टेबल नहीं आई है और बहुत अप डाउन इस वीडियो में आप देख सकते हैं। तो इसका वन एंड ओनली मेथड ये है कि आप वीडियो शूट करके इस सेटिंग ऑप्शन में जाइए और उसमें आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे, स्टेबलाइज एंड रोटेट। स्टेबलाइज पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे, अब जैसे स्टेबलाइज पर क्लिक करेंगे वीडियो स्टेबलाइजेशन चालू हो जाएगी। तो ये 1 और 2 मिनट्स हार्डली लेती है, वो आपके वीडियो की साइज़ पे, आपके वीडियो के ड्यूरेशन पर डिपेंड करता है कि आपकी वीडियो कितनी बड़ी है। तो ये आपकी वीडियो को स्टेबलाइज करने में मैक्सिमम टू मैक्सिमम 10 से 20 मिनट लेगी और आपकी वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ी है तो आप उसके लिए वेट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आपकी वीडियो स्टेबलाइज हो चुकी है और मैं आपको आगे कुछ सैम्पल शॉट्स दिखाऊंगा जो मैंने वीडियो रिकॉर्ड करने के बाद स्टेबलाइज़ किया है, तो आप उसमें कंपैरिजन करके खुद वीडियो को कंपेयर कर सकते हैं कि आफ्टर स्टेबलाइजेशन और विदाउट स्टेबलाइजेशन के बाद वीडियो कैसी लगती है। उससे पहले आपको मैं कुछ बता दूं OIS के बारे में, ये वर्क कैसे करता है और ये कैमरास में कैसे अप्लीकेबल होता है। तो दोस्तों, मैं आपको दिखाता हूँ OIS वर्क कैसे करता है। तो दोस्तों, जब आप वीडियो रिकॉर्ड करते हैं अपने फ़ोन से और अपने फ़ोन को शेक करते हैं या अपने हैंड्स को मूव करते हैं, तो जो इसके अंदर लगा हुआ कैमरा सेंसर होता है वो उसके अपोजिट साइड मूव करता है। अगर आप अपने फ़ोन को लेफ्ट साइड मूव करेंगे तो उसका कैमरा राइट साइड मूव होगा, और अपना कैमरा अगर आप राइट साइड मूव करेंगे तो उसका कैमरा लेफ्ट साइड मूव होगा। तो इससे वीडियो की स्टेबलाइजेशन बनी रहती है, वीडियो शेकी नहीं आती और वीडियो मूव नहीं करती। तो जैसा कि आप इसमें देख रहे हैं, मदरबोर्ड में जो कैमरा फिट है, ये जब मैं फ़ोन को शेक कर रहा हूँ तो ये उसके अपोजिट डायरेक्शन शेक कर रहा है। सी गाइस, ये जो कैमरा, अगर मैं इसको इस साइड मूव करता हूँ तो ये लेफ्ट साइड मूव करता है, अगर मैं इसको राइट साइड मूव करता हूँ तो लेफ्ट साइड मूव करता है। तो इससे ये वीडियो की फोकस बना के रखता है और स्टेबलाइजेशन प्रोवाइड करता है जिससे आपकी वीडियो शेकी नहीं आती और वीडियो स्टेबल आती है। तो आप देख सकते हैं वीडियो में कि जो इसके अंदर का कैमरा सेंसर है, कैमरा लेंस है, वो अपोजिट डायरेक्शन मूव कर रहा है। तो चलो दोस्तों, मैं आपको कुछ सैंपल्स दिखाता हूँ जो मैंने अपने MI A1 से शूट किए हैं विद OIS और आफ्टर एडिटिंग OIS। तो दोस्तों, आप इसमें दो कंपैरिजन देख सकते हैं, एक विदाउट OIS और एक विद OIS। जो ये लेफ्ट साइड वाली वीडियो है, ये मैंने डायरेक्ट अपने कैमरा से शूट की है बिना किसी एडिटिंग के, और ये आफ्टर विद OIS जो है, ये मैंने वीडियो को स्टेबलाइज़ किया है जो मैंने आपको ऑप्शन दिखाया है उसके थ्रू। तो आप दोनों में कंपैरिजन करके रिजल्ट्स बहुत इजीली देख सकते हैं। सेकेंड सैंपल में जो लेफ्ट साइड वाली वीडियो है, उसमें आप थोड़ा शेकी मूवमेंट देख सकते हैं कि जो वीडियो है थोड़ी शेक कर रही है और स्टेबलाइज नहीं है। और जो अदर साइड वाली वीडियो है विद OIS वाली, वो मैंने स्टेबलाइजेशन करके, स्टेबलाइज करके आपको MI A1 में फ़ोटो के ऑप्शन से आपको जो दिखाई है वो आप देख सकते हैं कि वीडियो लेफ्ट साइड वाली और राइट साइड वाली दोनों के कंपैरिजन में आप डिफरेंसेस बहुत ईजिली देख सकते हैं। सो जो नेक्स्ट सैम्पल है, इसमें मैंने ये फुल डे लाइट में वीडियो ली है और लेफ्ट साइड वाली वीडियो जो है वो विदाउट OIS वाली है, जो कि आपको थोड़ा शेकी मूवमेंट देख सकती है, और जो विद OIS वाली और आफ्टर एडिटिंग वाली वीडियो है वो आप देख सकते हैं बिल्कुल स्टेबल वीडियो है, जो प्रोफेशनल कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड की हुई लगती है वीडियो। सो दोस्तों, ये था वो मेथड जिसके थ्रू आप अपने वीडियो को स्टेबलाइज कर सकते हैं अगर आपका कैमरा OIS को सपोर्ट नहीं भी करता है तो भी। तो दोस्तों, आज के लिए वीडियो में बस इतना ही, मिलता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में किसी नेक्स्ट ट्रिक के साथ।